नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे भागलपुर, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, दो बाइक के बीच हुई सीधी टक्कर, शिक्षक की हुई मौत। हत्या लूट सहित कई कांडों में फरार कुख्यात अपराधी तूफानी यादव गिरफ्तार। हिंसा का रास्ता छोड़ नक्सली नेपाली यादव ने किया आत्मसमर्पण, समाज के मुख्य धारा से जुड़कर करेंगे जीवन यापन। और बांका पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार, कार जब्त। अब समाचार विस्तार से। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गुरुवार को भागलपुर समीक्षा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार के भागलपुर में आत्मा की सभी कार्यक्रमों को समय पर पूरा कर लिया गया है, जिसमें भागलपुर ने राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए जिले के किसान, जिलाधिकारी, कृषि विभाग, आत्मा के पदाधिकारी और प्रसार कर्मी बधाई के पात्र हैं। मंत्री ने कहा कि आत्मा द्वारा प्रभावशाली ढंग से किए गए कार्य के कारण किसानों का मनोबल बढ़ा है और सरकार किसानों की आमदनी करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। साथ ही मंत्री ने कहा कि भागलपुर के कतरनी धान एवं जरदालू आम की मांग देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ रही है, जिससे यहाँ के किसानों को आर्थिक लाभ होगा। मंत्री ने कहा कि किसान पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत आलू, गेहूं, दुग्ध उत्पाद एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को किसान गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम लोगों ने जैसे कि लॉकडाउन हुआ जा करके, तो रबी के मौसम में जो हमारा टारगेट था 22,70,000 हेक्टर में रबी का तैयार फसल हमारा था, उन फसलों का हमने सब समय भारत सरकार ने रिलैक्स किया था, हमने एडवाइजरी जारी किया और हमने कटनी करा लिया जा, लगभग 10% डैमेज हुआ जा बेमौसम बारिश फरवरी में, मार्च में ओलावृष्टि के कारण, तो लगभग 16.5 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने 582 किसान भाइयों को कृषि पूर्व सहायता देने का हमने काम किया है। इस जिले का भी चाहिएगा तो डिटेल मिल सकता है अगर किस जिले में कितना डैमेज हुआ, कितने किसान भाइयों को गया करके, तो इस हमेशा हम किसानों के साथ हैं। और जैसे ही रबी ख़त्म हुआ है अगर और हम खरीद 60 करोड़ सर बटा है आपने किसी अपने जिले में 60 करोड़ किसानों के खाते में कृषि इनपुट की राशि में भेजा है, तो नुकसान हुआ था करके। और अभी हम लोग खरीफ के मौसम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं और पहली बार बिहार में होम डिलीवरी हम करने जा रहे हैं। बांका में इन दिनों सड़क हादसे की घटना में काफी वृद्धि हुई है। गुरुवार को शंभुगंज इंग्लिश मोड़ मुख्य मार्ग जाला पोखर के समीप तेज रफ्तार दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। घटना में मझगांव निवासी पंकज शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान पंकज की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार को पंकज मोटरसाइकिल से प्राथमिक विद्यालय खानपुर जा रहा था, इसी दौरान जाला पोखर के समीप विपरीत दिशा से आ रहे बाइक से टक्कर हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीच में टक्कर हुआ, दो बाइक के बीच में टक्कर हुआ, एक पे 3 लोग थे, एक पे सिंगल सर थे, और अचानक टक्कर होने के कारण दोनों प्लॉट पे गिर गए और एक दूसरा वहां से निकल गए और इनको हम लोग लेके आए। ये किधर से आ रहे थे? ई नहीं देखे, किधर से आ रहे थे, हमको लगा कि बाइक पका के तरफ से आ रहा है और एक उधर सब। वर्षों से फरार कई मामले में वांछित रहे कुख्यात अपराधी तूफानी यादव को भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मधुसूदनपुर थाना पुलिस को तूफानी यादव के मिर्जापुर गांव में छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बलों ने मिर्जापुर की घेराबंदी कर कुख्यात अपराधी को दबोच लिया। हालांकि पुलिस को देखकर तूफानी यादव ने भागने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसकी हर चाल को विफल कर दिया। तूफानी यादव की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बता दें कि तूफानी यादव पर हत्या, लूट, रंगदारी और बमबाजी समेत कई कांड थाना में दर्ज हैं। राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर बांका के कुख्यात नक्सली नेपाली यादव ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। बेलहर SDPO मदन कुमार आनंद, SSB इंस्पेक्टर सिकंदर कुमार एवं कटोरिया इंस्पेक्टर महताब आलम के समक्ष नक्सली नेपाली यादव ने सरेंडर कर दिया है। SDPO मदन कुमार आनंद ने बताया कि नक्सली नेपाली यादव पर शंभुगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी।
गुरुवार को नक्सली नेपाली यादव ने समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया। एसडीपीओ ने बताया कि नेपाली यादव ने भविष्य में पुलिस को पूर्ण रूप से सहयोग करने एवं हिंसक गतिविधि का त्याग कर अपनी जिंदगी अहिंसावादी तरीके से व्यतीत करने की बात कही है। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद अवैध शराब तस्करी का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। गुरुवार को भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर वाहन जांच के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से पुलिस ने 80 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार किया है। दरअसल बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता को झारखंड से शराब तस्करी कर बिहार लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद बाराहट पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान झारखंड की ओर से आ रही कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस ने कार में छिपाकर रखे गए विभिन्न ब्रांडों के 100 से अधिक शराब की बोतलों को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देख रेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है, जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है।
बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए एसी नॉन एसी जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट चंपा नगर भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नाथनगर तुलसी मिश्रा लेन स्थित मौजीलाल इंटर कॉलेज में सत्र 2019-21 के इंटरमीडिएट के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर छात्रों ने बताया कि 11वीं में प्रमोट कर छात्रों को 12वीं में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराया गया, लेकिन रसीद नहीं दिया गया। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्राचार्य से जब इसके बारे में पूछा गया तो प्राचार्य ने दूसरे सत्र में नामांकन ऑनलाइन कराने की बात कही और अपना पल्ला झाड़ लिया। इसको लेकर छात्र काफी परेशान और आक्रोशित हो गए और प्राचार्य द्वारा अपने कर्मी को बचाने की बात कह रहे हैं। परेशान छात्रों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई है। एक ओर जहां छात्र प्राचार्य की लापरवाही से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की बात कर रहे हैं, वहीं प्राचार्य केसी मिश्रा ने कहा कि कुछ छात्र एडमिशन को लेकर कॉलेज आए थे जिसका ऑफलाइन एडमिशन लिया गया और छात्रों को रसीद भी दी गई, लेकिन पटना में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया लॉक हो जाने के कारण 12वीं में ऑनलाइन एडमिशन एवं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। साथ ही प्राचार्य ने कहा कि 8 जुलाई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें छात्र का एडमिशन लेकर पूर्व में लिए गए शुल्क को एडजस्ट कर दिया जाएगा। हम लोग 2019 में स्पॉट एडमिशन करवाएं और कॉलेज ने ये गारंटी भी लिया कि हम लोग आपका ऑनलाइन एडमिशन करवा देंगे और रजिस्ट्रेशन भी करवा देंगे। जब रजिस्ट्रेशन का समय आया तो हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भरे, उसके वजह से हम लोग को स्लिप भी मिला उसका। अब बाद में जब अब रजिस्ट्रेशन डमी रजिस्ट्रेशन निकला और हम लोग जब कॉलेज आए, हम लोग को डमी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। नहीं मिलने की वजह जब हमने प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका नहीं निकला है, आप फिर से एडमिशन करवा लीजिए। कुछ छात्र अंत में आए थे, TNB कॉलेज में उनका नाम नहीं हो सका, तब आए हमारे पास। तो पटना में तब तक लॉक हो गया वो पोर्टल, जब लॉक हो गया तो ऑनलाइन इन लोगों का हुआ ही नहीं। बाद में हम लोग जाके संपर्क साधे तो वहाँ के कंट्रोलर ने कहा कि इस बार संख्या हमको काफ़ी हो गई है, हम फिर दोहरा के खोलने वाले नहीं। तो हम पटना से लौट गए, इस कारण इन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। इसमें करीब 7-8 लड़का छूट गया। होमगार्ड बहाली की शारीरिक परीक्षा की मांग को लेकर 2011 के गृह रक्षक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड स्थित होमगार्ड कार्यालय से प्रदर्शन जुलूस निकाला। इस दौरान होमगार्ड अभ्यर्थियों ने सरकार एवं जिला प्रशासन से अविलंब बहाली की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व मिथिलेश कुमार तांती ने किया। अभ्यर्थियों ने समाहरणालय मुख्य द्वार पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विगत 10 वर्षों से बहाली के इंतजार में कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त होने को है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। साथ ही कहा कि बिहार के सभी जिले में 2011 की होमगार्ड बहाली पूरी हो चुकी है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी प्रणब कुमार को आवेदन भी दिया है। इस मौके पर मिथुन चक्रवर्ती, दिलीप कुमार, विकास यादव समेत कई अभ्यर्थी मौजूद थे। सर, हम लोग 2011 में होमगार्ड का भर्ती का कॉल उल कटाए हुए थे। 2020 आने चला, लेकिन होमगार्ड के प्रति कोई जिज्ञासा, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। इसके प्रति अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे, यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेंगे, इसी जगह पेट्रोल छिटक के अपने आप में आग लगा लेंगे। बहुत इस 3-4 बार यहाँ पे आ चुके हैं, एक बार भी कुछ सुनवाई नहीं किया गया। यानी कि इस सरकार पूरा एकदम कान में तेल देके सोए हुए हैं। ये राज्य परिवहन आयुक्त सह बिहार सड़क सुरक्षा परिषद प्रभारी पदाधिकारी सीमा त्रिपाठी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी, ट्रैफिक DSP एवं यातायात से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य परिवहन आयुक्त ने भागलपुर जिला परिवहन पदाधिकारी फिरोज अख्तर एवं ट्रैफिक DSP RK झा से कई महत्वपूर्ण जानकारी ली। भागलपुर DTO कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान DTO एवं ट्रैफिक DSP ने भागलपुर में यातायात संबंधित कार्यों की जानकारी दी, जबकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने हैंड हेल्ड डिवाइस से लोगों की जाँच करने का निर्देश दिया। भागलपुर में हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराने को लेकर परिवहन आयुक्त ने कहा कि जल्द ही डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ वाहनों की जाँच और जुर्माना वसूला जा सके। इस दौरान सड़क दुर्घटना में कमी लाने और चालकों को जागरूक करने के साथ यातायात नियमों का बेहतर ढंग से पालन कराने को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से बात करना प्रेमी को महंगा पड़ गया।
प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना को लेकर प्रेमी के पिता ने सचिदानंद मंडल सहित 8 लोगों पर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का आरोप लगाकर थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित प्रेमी के पिता विजय कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह मिट्ठू राघोपुर स्थित सैलून में शेविंग करा रहा था। उसी दौरान गुलशन मंडल, बुधन मंडल सहित कई लोगों ने हथियार सटाकर मारपीट की, जिसके बाद उसे पोल में बांध दिया गया। वहीं ग्रामीणों द्वारा बेटे की पिटाई की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो मिट्ठू बेहोश पड़ा था। थानाध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि प्रेम प्रसंग मामले को लेकर मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हमको जो है गोली सटा के लेके गया है, ठीक है, वहाँ 10 आदमी मिल के हमको रड से मरा है। रड से 10 आदमी मिल के मरा है। विकास, ठीक ना, पवन, अनिल, गुलटा और सब आदमी सब था, मटका रड से मरा था। वो अपना घर लेके गया और मेरा गल्ला दब रहा था, देखिए माधोपुर में घर है। कोरोना काल में लोगों की समस्या और जरूरतों को ध्यान में रखकर देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार द्वारा मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने के निर्णय पर भागलपुर लोजपा के जिलाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा ने खुशी व्यक्त की है। गुरुवार को लोजपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय पूरी दुनिया परेशान है और ऐसे में भारत सरकार द्वारा जनता के हित में कार्य करना सरकार की सकारात्मक सोच और कार्य क्षमता को दर्शाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिलाध्यक्ष बबली देवी, दिवाकर सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आदरणीय प्रधानमंत्री और खाद्य व आपूर्ति मंत्री आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो कोरोना काल से जो गरीबों का सेवा का शुरू हुआ अन्न, उसको बढ़ाकर ये छठ पूजा तक इसको बढ़ाया गया है, मतलब नवंबर माह तक। इसलिए कि अभी कोरोना काल में जिस तरह की त्रासदी आई, लोग अभी पूर्ण रूपेण काम रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वह खाद्य व आपूर्ति मंत्री ने निर्णय लिया कि नवंबर माह तक इस चीज़ को जो है अन्न सभी को, गरीब को दिया जाए। इसके लिए हम लोग भागलपुर जिला कमेटी, भागलपुर की तमाम जनता, सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री व खाद्य व आपूर्ति मंत्री श्री रामविलास पासवान जी का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। नाथनगर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराबी युवक की पहचान शाहपुर गांव निवासी अमित कुमार सिंह के रूप में हुई है। नाथनगर इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन ने बताया कि शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना ग्रामीणों द्वारा मिली थी, जिसके बाद गश्ती टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान युवक के शराब पीने की पुष्टि हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कृषि मंत्री प्रेम कुमार पहुंचे भागलपुर, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, दो बाइक के बीच हुई सीधी टक्कर, शिक्षक की हुई मौत। हत्या लूट सहित कई कांडों में फरार कुख्यात अपराधी तूफानी यादव गिरफ्तार। हिंसा का रास्ता छोड़ नक्सली नेपाली यादव ने किया आत्मसमर्पण, समाज के मुख्य धारा से जुड़कर करेंगे जीवन यापन। और बांका पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार, कार जब्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।